हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहास परफेक्ट प्लेट। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी वर्जिन मोइतो। एक बनाऊंगी मैं प्लेन सोडे के साथ, दूसरा बनाऊंगी मैं सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा कूल और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लेमन का यूज़ होता है, इसलिए बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है। आप इसे घर पर कभी भी आसानी से बना सकते हैं, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे वर्जिन मोइतो विथ प्लेन सोडा। यहाँ पे मैंने पोलो का यूज़ किया है मिंट पाउडर के लिए। यहाँ पे पोलो का पाउडर बनाएंगे, कुछ लेमन यूज़ किए हैं, पाउडर्ड शुगर यहाँ पे यूज़ की है, कुछ फ्रेश मिंट लीव्स ली हैं और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिया है। तो सबसे पहले एक लेमन के चंक्स कट कर लेंगे। एक लेमन को इस तरीके से चंक्स में कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने चंक्स कट कर लिए हैं और एक लेमन का यहाँ पे वेजेस में कट कर लेना है। इसको हम लोग ऊपर से गार्निशिंग के टाइम यूज करेंगे। तो ये देखिए, एक लेमन के मेरे वेजेस में कट गए हैं। यहाँ पे मैंने पोलो ली है, पोलो को पीस के पाउडर बना लेंगे। आप बाहर से भी कोई भी मिंट पाउडर या आप मिंट सिरप भी ले सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप पोलो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली मिल जाती है। तो सबसे पहले एक जार लेंगे, जार में ऐड करेंगे लेमन चंक्स। एक लेमन के चंक्स मैंने ऐड कर दिए हैं, 7-8 मिंट लीव्स ऐड करेंगे, आधा चम्मच ऐड करेंगे पोलो पाउडर, तीन चम्मच यहाँ पे ऐड कर देंगे पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई शक्कर। अगर आपके पास शुगर सिरप अवेलेबल है तो आप शुगर सिरप भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो पाउडर्ड शुगर। 1-2 पिंच काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब एक लेमन स्क्वीज कर देंगे, इसमें एक नींबू के रस को निचोड़ देंगे। अब इसको करेंगे पाउंड। आप रोलर पिन की हेल्प से यानी कि पतले वाले बेलन की हेल्प से भी पाउंड कर सकते हैं, या मॉर्टर का पेसल जो होता है उससे भी आप पाउंड कर सकते हैं, या अगर आपके पास मडलर है तो भी कर सकते हैं। इसको सिर्फ लाइटली प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अब इसमें 6-7 आइस क्यूब्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ऐड करेंगे सोडा, मैंने सिर्फ आधा जार अभी सोडे का ऐड किया है। अब इसे अच्छे से स्टर कर लेना है, क्योंकि नींबू का जो छिलका होता है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा उसको प्रेस करेंगे तो उसका कड़वापन आ जाएगा इसमें। अब ऐड करेंगे लेमन वेजेस, मैंने 2-3 लेमन वेजेस ऐड किए हैं और 3-4 मिंट लीव्स ऐड की हैं। अब अपने जार को फुल कर देंगे पूरा सोडे के साथ। तो ये मैंने लगा दी है स्ट्रॉ और गार्निश कर देंगे लेमन वेजेस से। तो ये मेरा वर्जिन मोइतो विथ प्लेन सोडा बनके रेडी हो चुका है। अब बनाएंगे वर्जिन मोइतो विथ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के लिए मैंने यहाँ पे स्प्राइट यूज़ की है। अब एक लेमन के चंक्स को इस तरीके से जार में ऐड कर देंगे और 7-8 मिंट लीव्स ऐड कर देंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच पोलो पाउडर यानी कि मिंट पाउडर, 1-2 पिंच काला नमक। यहाँ पे शक्कर का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें ऑलरेडी शुगर कंटेंट होता है। अब यहाँ पे एक लेमन को स्क्वीज कर देंगे, एक नींबू के रस को निचोड़ देना है। अब इसको पाउंड कर लेना है, हम बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये नींबू का जो छिलका होता है उसका कड़वापन आ जाता है। और पुदीने को भी बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, सिर्फ हल्की सी स्मेल आनी चाहिए इसमें मिंट लीफ की। बहुत ज़्यादा पुदीने की स्मेल से अच्छा नहीं लगता है। अब ऐड करेंगे इसमें आइस क्यूब्स, मैंने 6-7 आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। अब डालेंगे इसमें स्प्राइट, सिर्फ आधा ही जार स्प्राइट से फिल करेंगे। अब इसे अच्छे से स्टर कर लेना है, जिससे शुगर भी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और लेमन मिंट का भी फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। अब इसमें डालेंगे लेमन वेजेस, मैंने 2-3 लेमन वेजेस डाले हैं, 2-3 मिंट लीव्स डाली हैं। अब सारे जार को स्प्राइट से फुल कर देना है। तो ये मैंने बाकी स्प्राइट डाल दी है, जार मेरा फुल हो चुका है। अब इसमें जो है लगा देंगे स्ट्रॉ
और गार्निश कर देंगे लेमन वेजेस से। तो ये मेरे वर्जिन मोइटो विथ प्लेन सोडा एंड वर्जिन मोइटो विथ सॉफ्ट ड्रिंक बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर गेस्ट आए तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करें, जिससे आप भी मेरी तरीके से सारी रेसिपीज़ बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।